लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी। इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। तो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। मनीष जल्द ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, पौड़ी सीट से बीजेपी दे सकती है टिकट। तो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी, और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़े झटके के तौर पर मनीष खंडूरी का जाना देखा जा रहा है। दरअसल मनीष खंडूरी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। तो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर इस की जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, और अब अटकलों का बाजार गर्म है कि मनीष जल्द ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, और बीजेपी भी पौड़ी सीट से टिकट जो है वो मनीष खंडूरी को दे सकती है। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी, उनका एक अपना राजनीतिक महत्व है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देना, कांग्रेस से जाना, इसे बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है। तो वहीं मनीष के इस्तीफे को एक तरफ कांग्रेस नेता उनका व्यक्तिगत कारण बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता उनके इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का निमंत्रण दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के जो प्रत्याशी थे मनीष खंडूरी, और आज उन्होंने कांग्रेस पत्र त्याग पत्र दिया है, इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अंदर अच्छे लोगों को ना तो कांग्रेस टिका सकती है और ना लंबे समय तक अच्छे लोग कांग्रेस में टिक सकते हैं। और यही कारण है कि आज मनीष खंडूरी जैसे जो एक प्रकार से सुलझे हुए राजनेता, उन्हें कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अच्छी लीडरशिप है उसके अंदर भी मैसेज आने लगा है कि देश के विकास के लिए मोदी जी का जो योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जन दबाव है, जन दबाव का प्रेशर भी रहता है, और अच्छे कार्य में सब योगदान करें, देश में पुनः मोदी जी की सरकार बने, उस योगदान के लिए बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और हमने उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जब भी उनका कोई प्रस्ताव आएगा उसमें शांतिपूर्व विचार करते हुए उनको पार्टी में सम्मिलित करने में कोई दिक्कत हमको आने वाली नहीं है। देखिए, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है, सोशल मीडिया से और अभी आप पत्रकार बंधु से पता चला है, और मुझे कारण भी इसमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पार्टी ने बहुत सम्मान उनको दिया। 2019 में लोकसभा का टिकट देना, उसके बाद केंद्र में हमारी जो एआईसीसी है उसमें हमारे एक प्रोफेशनल प्रकोष्ठ है, उसमें भी वो 5 सदस्यों में से एक सदस्य हैं जो बहुत ही सम्मानित पद है। और क्या कारण रहे कोई ऐसा स्पष्ट भी नहीं है, जो सोशल मीडिया का पोस्ट मुझे दिखाया गया उसमें कोई स्पष्ट संकेत भी नहीं है कि वो क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि पृष्ठभूमि बीजेपी से है। उनके पिताजी आदरणीय बीसी खंडूरी जी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी जो सिस्टर हैं वो इस समय विधानसभा की अध्यक्ष हैं। हो सकता है पारिवारिक कारण भी कई बार हो जाते हैं, व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। तो अभी जब तक जानकारी नहीं आती तो उसमें मैं अभी कुछ भी कहना उचित नहीं समझता।